शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। महाराजा फर्नीचर स्टाइल या डेकोलियम फर्नीचर के 10 आइटम सिर्फ 15,500 में। इससे ज्यादा की खरीदारी पर बिस्तर का मुकम्मल सेट और एक डबल डोर की अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। 45,000 से ज्यादा की खरीदारी पर स्लीप रिलैक्स मैट्रेसेस 3 साल की वारंटी के साथ डबल डोर अलमारी मुफ्त हासिल कीजिए। बुकिंग खुली है मलिका फर्नीचर, वोल्टा एक्स रोड, हैदराबाद। साथियों, आज हमने प्रेस मीट कॉल की है शालीबंडा सदर खाजी मीर हादर अली साहब के गुज़िश्ता कल या परसों के एक बयान पर, जिसमें मीडिया बरादरी ने उनसे उनकी इंक्वायरी कमीशन में हाजिर नहीं होने की वजह पूछी। तो उन्होंने वो वजह बताने के बजाय दूसरी बातें बोली, और ऐसी दूसरी बातें जिसे कोई भी सुनकर के हंस सकता है, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन में इनको तहकीकात का सामना है, इनके ऊपर बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगे हुए हैं, और उनके वकील ने इंक्वायरी कमीशन से दरख्वास्त की कि चूँकि वो बहुत बीमार हैं और उनके लिए जो है ना एक लंबी डेट दरकरार है, और जैसे वो सेहतियाब हो जाएंगे हम उनको जो है ना लाएंगे। तो 29 जून उनकी जो है ना के लिए डेट मुकर्रर की गई, लेकिन उसके 48 घंटे में बमुश्किल 2 दिन में, उनकी आँख ख़राब है, मुख्तलिफ बातें बताई गई थी, लेकिन 2 दिन में जो है ना शालीमंडा सदर खाजी खादर अली साहब ने अपनी तरफ से एक बयान दिया। उस बयान में उन्हें चाहिए था कि उन पर जो संगीन इल्ज़ाम लगे हैं मीडिया में आकर के उसके बारे में बोलें, दलायल दे के बताएँ कि भाई ये जो बातें हैं, ये देखिए ये दलीलें हैं, ये गलत हैं। जबकि उनके वकील साहब इंक्वायरी कमीशन में बोल रहे हैं कि हमको थोड़ा टाइम दीजिए रिकॉर्ड जमा करने के लिए, हमको मुश्किल है, और वो ये बोल रहे हैं कि नहीं कोई भी चीज़ नहीं है, सब बातें झूठी हैं, और गैर मुतल्लिका बात को जो है ना वो रखे हैं। मेरे क्लाइंट इब्राहिम साहब के जो सदर खाजी हैं जनाब हाफिज अली अब्दुल्ला रिफाई साहब के बारे में और उनके ताल्लुक से रॉडी शीट और दीगर चीज़ों के बारे में बताया उन्होंने, जो कि बिल्कुल इस मौजू से ताल्लुक ही नहीं रखती। मीडिया बरादरी का और अवामुल नास का जो है वो कीमती वक्त ज़ाया कर रहे थे और बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनसे जिस बात का सवाल था, क्या उन्हें चाहिए था कि वो बात का जवाब दे या ना दें? मेरा आप लोगों से भी ये मारूजा है। सदर खालदी साहब ने कहा कि उन पर लगाए गए पूरे इल्ज़ाम झूठे हैं, वो इसमें बाइज्जत बरी हो चुकी है। बहुत अच्छी बात है। क्या उन्होंने आपके उसके डॉक्यूमेंट दे दिए? अगर है तो आप लोग पेश कीजिए। उनके ऊपर जो संगीन इल्ज़ाम लगे हुए हैं उसका सामना करने के लिए वो नहीं आ रहे। हम ये मीडिया ट्रायल नहीं चला सकते ना, अदालत में जो ट्रायल चल रहा, इंक्वायरी कमीशन में जो ट्रायल चल रहा, वहाँ पर उनको वो चीज़ें पेश करनी है। वहाँ पर तो वो 2 महीने बीमारी का बहाना लेके, 2 महीने तक का बहाना लेके 2 महीने तक गायब हो गए, और अचानक उनका झूठ, वो खुद अपने झूठ को जो है ना जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी अकल मार दी थी, वो सामने आ गए 48 घंटे में, और 2-2 मिलीमीटर के जो ना हुर्फ वो पढ़ सक रहे हैं। तो फिर उनकी आँख तो अच्छी है माशाल्लाह, सेहत अच्छी है, ऑफिस में काम कर रहे हैं। मेरा तो ये सवाल था इंक्वायरी कमीशन से कि ये जो इनके वकील साहब जो बात बोल रहे हैं उसको तहरीर में ले लीजिए कि वो सख्त बीमार है और 1-2 महीने का जो है ना वक्त दरकार है। तो 100 बका 1 लिखा, तो ये चीज़ नहीं हुई। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इसी बीच हमारे क्लाइंट इब्राहिम साहब के सदर खाली साहब हैं हबीब अली रफाई साहब, इनके ताल्लुक से जो बात बोली है उन्होंने उसके बारे में ये बात बोलेंगे, उसके बाद फिर मैं उसको कैरी ऑन करूँगा। आपका मेन मकसद क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? जी देखिए, मैं कुछ दिनों से ये देख रहा हूँ कि कज़ात में कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ चुके हैं जिनकी वजह से ये एक मुकदस पेशा बदनाम हो रहा है, और हैदराबाद की बहुत बड़ी आबादी, 150 करोड़ की आबादी में बमुश्किल 15 काजी हजरात अपनी मनमानियाँ चला रहे हैं। इस चीज़ को हम एक अच्छी असलाहत लाते हुए ये खजात बरादरी को बेहतर करना चाह रहे हैं, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। तो अगर यहाँ पर अगर 300 से 500 खादी अगर इजाफा हो जाए तो खजात बरादरी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा हम एक तजावीज़, 10 तजावीज़ रख रहे हैं, जिनमें सबसे अहम तजवीज़ ये है कि हमारी रियासत तेलंगाना को और हिंदुस्तान को बदनाम करने की माजी में साजिशें हुई हैं, अरब शादियाँ बोल के। तो हम चाह रहे हैं कि एक ख़ास तौर से जितनी भी ये खाजी बरादरी के जितने भी खाजी हजरात हैं उसमें ये भी हैं, मैं खुद आपके साथ हूँ ये बात बोल रहा हूँ, कि सभी की एक इंक्वायरी कमीशन बिठाई जाए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन, जिसमें यह पता चले कि किस खाजी ने कितने अरबों की शादियाँ की हैं, ठीक है, ताकि ये पैगाम सबके पास जाए पहले कि गैर कानूनी तौर पर अगर किसी ने शादियाँ की हैं तो वो किसने की हैं और कौन से खाजी ने अरबों की कितनी शादियाँ की हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हबीब अली रफाई साहब जो सदर खाजी हैं ग्रेटर हैदराबाद के अरब और शवाफे के, आपने 1 साल में कितनी शादियाँ कराई हैं अरबों के, और उन्होंने
जैसे कि आप लोगों को बता दूं ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आपने बमुश्किल 150 शादियां भी नहीं कराई एक साल में अरबों के, हालांकि हैं आप अरब शराफे के खाजी, और दूसरों ने जो अरबों शराफे के खाजी नहीं है भी नहीं, उन्होंने तकरीबन 800 से 500 से 1000 तक भी शादियां कराई हैं। एविडेंस है आपके पास उसका? बिल्कुल, क्योंकि वहां पर दफ्तर में वही रिकॉर्ड होता है। उसी बात को हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सारा रिकॉर्ड इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करते हुए हर खाजी का रिकॉर्ड चेक करें तो पता चल जाएगा कि किसने कितनी शादियां की हैं, और इस रिकॉर्ड के ताल्लुक से मैं भी बताऊंगा ये दफ्तर में कितनी शादियां हुई हैं, ठीक है। और वो केस के मुताबिक अली भाई आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन, अम्मा बाद, मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन, अम्मा बाद। सहाफी बिरादरान, 27 अप्रैल को एक पेशी मुकर्रर थी शाली भंडार सदर कादी मीर कादर अली की, वो जो है पेशी में हाजिर नहीं हुए, और उसके बाद जो है दो दिन के बाद जो है ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ ये बताया है, महसूस ऐसा होता है कि जो है अपने मकसद से जो है ना हटकर जो है सिर्फ अली अब्दुल्ला रिफाई के ताल्लुक से जो है ना उनके खिलाफ साजिश और उनके खिलाफ जो है ना प्रोपेगेंडा और बदनाम किया जाए, और सहाफ़ी बिरादरान को जो है वो एक रोडी शीट की एक कापी जो है फराहम किए हैं। वो बताइए गुमराह करना मकसद था उनका? सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मकसद जो है ना उन पर लगाए गए संगीन इल्ज़ाम की जो है ना वो मदाफ़िया नहीं किए, बल्कि जो है ना मुझे बदनाम करने के लिए जो है ना ये चीज़ जो है ना आवाम के सामने लेकर आए हैं, और उसके मुतालिक जो है जो भी जो है कानूनी कार्रवाई है वो उसको जो है किया जाएगा। रही बात कि काजी मीर मोहम्मद कादर अली के ताल्लुक से जो इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं वो जो है एक 5 साल से जो है टाल मटोल का जो है ना रूल अपनाए हुए हैं, और वो जो है सादक तौर पर जो है ना पेशी में जो है ना अपने आप को जो है ना सफ़ेद पेश करने से नाकाम रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन भी कुछ बदली हुई है, तीन दो तीन तकरीबन जो है तीन ऑफिसर्स जो है तब्दील हुए हैं, कोई फतहुल्ला साहब और एक जो है ना और एक ऑफिसर, ये तीसरे ये चौथे ऑफिसर है वहीद साहब यमे वाहिद साहब, ये इनके हाथ पे इंक्वायरी चल रही है, ये भी तकरीबन 6 माह के अरसे से जो है जारी है ये, और अभी तक जो है खातरखा जवाब नहीं दिए और अपना रिकॉर्ड दाखिल नहीं किए। दूसरी बात यह है कि निज़ाम कदात के तहत जो है तमाम रिकॉर्ड्स दाखिल करना है, वो कौन कब से कब कितना रिकॉर्ड दाखिल करे हैं क्या है ये सहाफ़ी बिरादरान इस बारे में जो है ना बखूबी जान सकते हैं। उन्होंने आपके साथ ऐसा करने की क्या वजह है खास, कुछ आप लोगों ने इत्तेफाक किया क्या आपस में? ये अरब कज़ात को जो है ना एक अरसे दराज से जो है ना एक जो है साजिशी जो है ना टोले के तौर पर जो है ये इज्तमाही तौर पर जो है ना ये साजिश जो है अंजाम दी जा रही है। मैं जो है 2017 अक्टूबर के माह के अंदर जो है ना DCP ऑफिस में एक बयान दिया था, अगर वो बयान आपके पास हो तो उसकी सराहत मैंने कर दी है, और जो है ना मजीद उससे मुतालिक जो है ना ये आपको फराहम करता हूँ, इसके अंदर तमाम चीज़ें जो है मेरा जवाब वाज़ह तौर पर हो जाएगा। अदालत में सिर्फ बतौर ट्रांसलेटर पेश कर दिया गया। अब रही बात दूसरी, अरब खजात को ख़त्म करना जो एक बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं अरब खजात को ख़त्म करने की, मैं इसको मुल्की सतह पर भी बताना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ पर दुनिया में तकरीबन 60 ममालिक इस्लामी ममालिक हैं जिनमें अक्सरियत अरब ममालिक की है। अगर हमारे रियासत तेलंगाना में जो हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन नज़म है खजात का, अगर यहाँ पर अरब खजात भी चल रही है जिस तरह से महदवी खजात है, जिस तरह से अहले तशी खजात है, जिस तरह से आपके शी खजात और आपके दाऊदी बोहरा खजात है, महदवी खजात है, मुख्तलिफ किस्म के खजात हैं, तो उसी तरह से अरब और शराफे की भी खजात है। लेकिन इसको ख़त्म करने की जो जो लोग साजिश कर रहे हैं इनसे ये सवाल कर लें आप लोग कि क्या आप लोगों ने कभी ज़िंदगी में अरब और शराफे की खजात के ज़रिए ज़िंदगी में पैसा बनाया कमाया है कि नहीं कमाया है? और ये बात भी मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अली अब्दुल्ला रफाई साहब और उनका दफ्तर, उन्होंने जो जितने निकाह कराए हैं उनसे कई गुना ज़्यादा निकाह हिजब मुखालिफ ने कराए हैं। इस बात के लिए मैं चैलेंज करता हूँ कि इस मामले में अगर हमारी बात झूठी है तो हमको जो है ना गलत साबित करने के लिए मीडिया बिरादरी को भी अपने रिकॉर्ड बराबर पेश कर दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि
قاضی حبیب علی رفائی ایک روڈی سیٹر ہے، یہ بھی ایک بات کس حد تک درست ہے؟ آپ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سماج میں، سوسائٹی میں جو ہے نا روڈی سیٹر کسے کہا جاتا؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ روڈی سیٹر کس کو بولتے ہیں آپ؟ گنڈے کو بولتے یا ایک مسجد کے امام کو بولتے؟ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ مکہ مسجد کے سامنے جو مسجد ہے، مسجد کا نام بیگم کی مسجد، بیگم کی مسجد اور اس کا ایک کوئی دوسرا بھی نام ہے ہمت ارجن کی جو مسجد ہے، اس مسجد میں گزشتہ 30-35 سال سے حبیب علی، حافظ حبیب علی رفائی صاحب وہاں پر عیدین کے خطبے بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لیکن شالی منڈا قاضی صاحب نے جو باتیں بولی ہے مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ مکھی جو ہیں گندگی پہ بیٹھنے کی خواہش رکھتی، صرف اس کو اچھائی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، اور علمیت کے معاملے میں اور خطبے وغیرہ بھی، خطبے جمعہ تو چھوڑ دیجیے، نماز کے لیے چھوڑ دیجیے، اس کی بات بتا رہا ہوں میں ان کے پیشے کی، اس میں بھی ان کی جانب سے کوئی بھی، ان کی جانب سے جو خطبے وغیرہ اپنی خطبے نکاح پڑھاتے ہیں اس معاملے میں بھی یہ بہت پیچھے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ انہوں نے جو ہے نا خطبہ نکاح جو ہے نا پڑھایا ہے، ٹھیک ہے اگر وہ پڑھاتے بھی ہیں تو قابلیت اور لیاقت دیکھی جاتی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتیں ان کو پہنچا دو جو امانتیں سنبھالنے کے اہل ہوں، لوگوں کا امام وہ بنے جو کتاب و سنت میں آگے ہو۔ تو الحمدللہ میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میرے کلائنٹ جناب ابراہیم شریف صاحب، نائب قاضی کے صدر قاضی صاحب جناب علی عبداللہ رفائی صاحب، ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ علم دین جاننے والی شخصیت ہے، اور میرے ساتھ جو ہم اصلاحات لانا چاہتے ہیں طلاق اور خزات کے معاملے میں، نکاح کے معاملے میں جو ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اس معاملے میں وہ میرے ساتھ اس مہم میں کندھے سے کندھا ملا کر کے ساتھ ہیں۔ اصلاحات کے معاملے میں جہاں پر لڑکی کے نکاح کے لیے پیسے نہ لیں اس بات کی شرط رکھی تو انہوں نے بولا کہ بہت اچھا اقدام ہے، ماں باپ کے اوپر سے ایک بوجھ کم ہوگا۔ دوسری اصلاحات میں ہم نے یہ بولا کہ آپ لوگوں کی جو 15 قاضی صرف مل کے پورے حیدرآباد کو چلا رہے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ 350 سے 500 قاضی ہوں، تو اس پر بھی انہوں نے بولا کہ بہت اچھی بات ہے۔ یہ کون سے لوگ بولتے، کون سے قاضی بول سکتے؟ جن کے خود کے پیٹ پہ لات پڑے وہ یہ بات بول سکتا؟ لیکن علی عبداللہ رفائی صاحب نے اس بات کے لیے بولا کہ بہت اچھی اصلاحات ہے، ان شاء اللہ اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی دے گا۔ اور کوئی سوالات آپ کے؟ دیکھیے، اور ایک بات میں دلچسپی کی بات بتانا چاہ رہا ہوں، خاص طور سے عرب شعف خزات کے بارے میں جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ انہوں نے، خادر علی صاحب نے جس بات سے آپ لوگوں کو بھٹکایا ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم صحافت کو اور عوام کو صحیح بات پہلے بتائیں، لیکن میں ان کے سوال سے چوکوں گا نہیں، ان کے سوال کا بھی جواب دینا چاہوں گا تاکہ عوام میں ایک تجسس رہتا کہ یہ بات کا جواب کیا ہے۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات جو انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بتائی کہ یہ دیکھیے حبیب علی رفائی صاحب کی جو ہے نا روڈی شیٹ ہے۔ تو میں آپ کو بول دیتا ہوں کہ کیا آپ یہ بات مانتے ہیں کہ سنگین جرائم کی بنیاد پہ ایک شخص جو محلے میں ایک دہشت مچاتا، لوگوں کو تنگ کر کے پریشان کر دیتا، اس کے اوپر 302, 307 مختلف ایسے سنگین کیسز ہوتے، تب اس کی جو ہے نا روڈی شیٹ کھلی جاتی 2-3 کیسز میں، جب ثابت ہو جاتا کہ یہ مجرم ہے؟ علی عبداللہ رفائی صاحب کے اوپر تو ایسے کوئی سنگین الزامات ہی نہیں ہیں، باضابطہ ہر کیس میں وہ باعزت بری ہوئے ہیں، اور وہ کیسز کس نوعیت کے ہیں؟ جھوٹے طور پہ جو بتایا گیا تھا کہ فلاں کی کم عمر کی شادی کرا دی، میں یہ بات بھی پورے چیلنج کے ساتھ اور دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی کیس الحمدللہ انہوں نے جس میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور سازشوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ایک بھی کیس ان کے اوپر نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس روڈی شیٹ کے تعلق سے بھی آنے والے وقت میں جو بھی چیز ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے نا پتہ چل جائے گا۔ مزید بات یہ کہ عرب اور شوافی کی خزات کے لیے کل ہند اتحاد المسلمین کے سابقہ میں سالار محترم کی جانب سے اس زمانے میں ایم ایل اے ابراہیم بن عبداللہ مسکتی صاحب کے ذریعے اسمبلی میں ایک جیو پاس کرانے کے متعلق جو ہے نا عرب قوم کے لیے اس بات کی کوشش ہوئی تھی، جس کے لیے ہم ان کے جو ہے نا مشکور و ممنون ہیں، کیونکہ میں بھی عرب کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ ایک قوم عرب کے لیے ایک عظیم کارنامہ تھا جس کو سرزمین دکن سے جو ہے نا ایک کے رہنے والے تقریباً 8-10 لاکھ افراد کے لیے جو ہے نا یہ کرایا گیا۔ اس میں جماعت الشافیہ بھی ساتھ تھی اور اس میں ابراہیم بن عبداللہ مسکتی صاحب بھی ساتھ تھے، اس میں جو ہے نا سالار محترم بھی ساتھ تھے۔ تو عرب و شافی کی خزات کو بچانے کے لیے جو انہوں نے اور اس کو بنانے کے لیے جو انہوں نے محنت کی ہے، چند ایک